قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأوف بأمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الصلوات الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله غوص الفطن. والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد محبوب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم قال تب تو اردو میں لیکن آج لکھا ہوا آیا کہ سریکی میں. اگر آپ کو کوئی سریکی کی سمجھ آتی ہے اگر نہیں آتی جب چلو تو پھر آپ کی رعایت کرتے ہیں ساتھ سریکی بھی تھوڑی تھوڑی چلتی رہے گی. آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ فرمانے پروردگار ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تیرے لیے سورہ حمد میں ایک حصہ مختص کیا ہے، وہ حصہ ہے دعا. سبحان اللہ. اور دعا کی کس قدر اہمیت ہے انسان کے لیے.
यानी दुआ इंसान वास्ते कितनी अहम है कि अल्लाह ने सूरह हम्द विच एक हिस्सा दुआ दा रखा है। एक हिस्सा दुआ, अदुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत की जान है। अदुआ सिलाहुल मोमिन, मोमिन का असलहा दुआ है। और परवरदिगार आलम अपनी किताब लारैब में इरशाद फरमाता है, कुल मा यअबौ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, ऐ मेरे हबीब इन लोगों से कह दो अगर ये दुआ न मांगेंगे तो मैं खालिक भी इनकी परवाह नहीं करूंगा। जो लोग कहते हैं आप पे कबूल करे सी, जानदा जो है, जानदा जो है तो आप पे कबूल करे सी, माँ भी जान दी है बच्चे नू भूख लगती है प्यास लगती है, जितने तक बच्चा नर होवे माँ भी दूध नहीं देती। जब तक बच्चा नर होवे माँ भी दूध नहीं देती। खुदा चाहता है कुछ इस बंदे को दिल में भी मेरी मोहब्बत पैदा हो, इसको अपनी एहतियात और जरूरत पैदा हो। जब बच्चे को जरूरत पड़ती है दूध की तो बच्चा रोता है, अगर बंदे को अल्लाह की जरूरत है तो बंदा उसकी बारगाह में जाए गिड़गिड़ाए। खुदा फरमाता है तू मेरी बारगाह में एक मरतबा मुझे या अल्लाह या रब्बा कहकर पुकार, मैं 10 मरतबा कहूंगा लब्बई का या अब्दी, लब्बई का या अब्दी, लब्बई का या अब्दी। तुम मुझे पुकारो मैं तुझे जवाब दूंगा। अल्लाह तो बंदे की शहरत से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह फरमाते दुआ मांगो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमें सिरात मुस्तकीम पे साबित कदम रख। हमारा दुआ मांगना और आइमा का दुआ मांगना, कल की कुछ गुजारिशात का खुलासा यह है कि हम भी दुआ मांगते हैं आइमा भी दुआ मांगते हैं। फर्क यह है कि आइमा अपने दराजात की बुलंदी के लिए दुआ मांगते हैं, लेकिन हमारे लिए हर वक्त खदशा है। शैतान हमारे बाहर भी है हमारे अंदर भी है, हमें बाहर से भी वरगलाता है, हमारा नफ्स अम्मारा भी हमें हर वक्त वरगलाने में लगा हुआ है। खुदा चाहता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ मुतवज्जे होकर इस शैतान बैरूनी और शैतान अंदरूनी से मेरी पनाह तलब करे। जब पनाह तलब करेगा तो मैं उसको अपने मुखलसीन बंदों में से करार दे दूंगा। जालिकल किताब ला रे बफी हुदल्लिल मुत्तकीन, यहाँ फरमाते हैं कि ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, जो काफिरीन है, जो मुनाफिकीन है, जो मुशरिकीन है, वो तो कह सकते हैं तो खुदाया तूने इस किताब को हिदायत मुत्तकीन के लिए करार दिया है, मोमिनीन के लिए हिदायत करार दिया है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़कात, ये तमाम चीजें मोमिनीन के लिए है। अगर हिदायत मोमिनीन के लिए करार दिया है तो हम मुशरिकीन पर अजाब करना कैसा? तो खुदावंद मुतआलिया इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, चाहे मुशरिक है चाहे काफिर है कोई भी है, तुम अपने आप को हिदायत के लिए आमादा कर लो। ये कुरान उसी के लिए हिदायत है जो अपने आप को कुरान की तरफ ले जाना चाहता है। कितने मुरीद ऐसे देखे जो मुसलमान नहीं थे, काफिर थे, मुशरिक थे, जिंदगी थे, लेकिन आइमा तहरीन के अकवाल और इरशादात की रोशनी में वो यकदम उन्होंने पलटा खाया और इस्लाम की तरफ और तशय्यो की तरफ वो पलट आए। यही हिदायत मुत्तकीन है। हुदल्लिल मुत्तकीन का माना यह है, ये नहीं है कि जो मुत्तकीन है उनके लिए हिदायत है और जो काफिरीन है उनके लिए हिदायत नहीं है। नहीं, जो आदमी भी ऐसे हिदायत करना चाहता है, तकवा और हिदायत को चाहता है, कुरान कहता है मैं तेरे लिए हिदायत बनकर आए। ये दिन सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार मुझे सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा। कौन है सिरात मुस्तकीम? तबियत किया था अमीर कायनात फरमाते हैं, अनस सिरात मुस्तकीम, जिसको तुम तलाश करना चाहते हो दुनिया में सिरात मुस्तकीम, वो वह अली इब्ने अबी तालिब हो। और अमीर कायनात फरमाते हैं, नहनु हब्लुल्लाह अल-मतीन, हम अल्लाह की वो मजबूत रस्सी है जिस रस्सी का एक सिरा परवरदिगार के दास से कुदरत में, दूसरा जमीन पर लटका हुआ है। अब तुम्हारी मर्जी, उस रस्सी के साथ चिमट जाओ या उस रस्सी को अपने हाथ
यदि मर्दी रस्सी पकड़े, यदि मर्दी छोड़ देवे, जेड़ा रस्सी नु पकड़े सी अल्लाह तक लगा वैसी, ते जेड़ा छोड़ दे सी कम अज कम इतना जरूर है कि वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता, हो सकता है अल्लाह दे शरीका आले पास पहुंच वे। अल्लाह की मजबूत रस्सी कौन है? अमीर कायनात। इतना सिरात मुस्तकीम, सिरात الذين انعمت عليهم, किन लोगों का रास्ता? انعمت عليهم, जिन पर तूने अपना इनाम किया। मामूली बात नहीं है इनाम इलाही, अल्लाह का इनाम मामूली चीज नहीं है। انعمت عليهم कौन है? कुरान से पूछते हैं, मैं यो तअल्ला वर रसूल فاولئك مع الذين انعم الله عليهم, जो अल्लाह की इताअत करे और अल्लाह की रसूल की इताअत करे। कुरान फरमाता है फौलाए का महल्लादीना, बस यही लोग हैं उन लोगों के साथ जो इताअत करते हैं अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। फौलाए का बस यही लोग हैं, महल्लादीना साथ उन लोगों के, अनअमल्लाहु अलैहिम के जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। वो कौन है? मिनन नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुना उलाएका रफीका। वो नबीयीन है, सिद्दीकीन है, वो शुहदा है, वो सालिहीन है और इंसान के लिए बेहतरीन दीन और दुनिया में साथी यही लोग हैं। सुभान अल्लाह, आवाज़ें बुलंद सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाल मुहम्मद। कौन है जिन्होंने अल्लाह की इताअत की और अल्लाह के रसूल की इताअत की? अल्लाह ने यहाँ पे नाम नहीं लिए कि फुला है फुला है फुला है, बल्कि कुरान किताब हिदायत एक ऐसी किताब हिदायत है जो क्यामत तक के लिए है। अल्लाह ने नाम कम लिए हैं और साफ ज्यादा बयान किए हैं। अब हम तलाश करते हैं वो लोग जिन्होंने अल्लाह की इताअत भी की और अल्लाह के रसूल की इताअत भी की, दो इताअतों के बाद हो गए उनके साथ जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। वो कौन लोग हैं जो अल्लाह के इनाम का मोरद हैं? इताअत करने वाला अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, साथ है उन लोगों के कि जिन पर इनाम हुआ है। वो कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बिना फतह अल्लाह व बिना यख्तिम, अल्लाह ने हम अहले बैत से अपने इनामात की इब्तिदा भी की है और हम अहले बैत पे अपने इनामात की इंतहा भी की है। ये पैसों से नहीं आते, ये टकों से नहीं आते, ये कारें और मुरब्बों से नहीं आते, ये इताअत इलाही और इताअत रसूल से आते हैं। रश्क करते हैं, कहते हैं तारीफ वही होती है जो दुश्मन करे। साद बिन अबी वकास जा रहा है मक्का के रास्ते में, दो आदमी उसको मिलते हैं, हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ये उनको कहता है कि मैंने अली की फजाइल में पैगंबर से चंद ऐसी फजीलतें सुनी हैं, अगर उन फजीलतों में से एक भी मेरे लिए अगर हो जाए तो मैं इस कायनात को अगर सोने चांदी जरो जवाहरात के साथ पुर कर दिया जाए तो मैं इस कायनात को कुर्बान कर दूंगा फकत एक फजीलत को हासिल करने के लिए। एक फजीलत को हासिल करने के लिए। साहब नबी वकास कहता है कि मैंने पैगंबर से खुद सुना, मैं महफिल में मौजूद था कि जब सूरत बरात नाजिल हुई पैगंबर अकरम ने इधर उधर देखा और एक बूढ़े को कहा आओ ये सूरत बरात ले जाओ, मक्का वालों के सामने इसको पढ़ो और उनके लिए हिदायत का इंतजाम करो। पैगंबर ने उसको सूरत बरात दी, वो बूढ़ा चला कुछ रास्ते तक। वाह, कौन कहता है? साहब बिन अबी वकास कहते हैं मैं खुद देख रहा था पैगंबर को, पैगंबर ने ये माजरा मेरे सामने गुजरा, पैगंबर ने फरमाया ले जाओ सूरह बरात को और पढ़ो। मुशरिकीन मक्का के सामने वो गया कुछ रास्ते तक, उसके बाद पैगंबर ने बुलाया अली वली को और कहा अली मेरे करीब आओ। अली करीब आए, दो रिवायात हैं, एक में यह है कि पैगंबर ने अपनी ऊंटनी हजरत अमीर अलैहिस्सलाम को अता फरमाई और एक रिवायत में यह है कि खुद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी ली और पैगंबर ने फरमाया या अली जाओ उससे सूरह बरात लेकर उसको वापस भेज दो और इस काम के लिए अल्लाह ने तुझे मुंतखब किया है, लिहाजा जाओ और कुछ कुरैश मक्का के सामने इस सूरत की तिलावत करो। वाह,
इनाम, यानी अब लोगों के सामने इनाम इलाही है जो पैगंबर की जबान से अमीर कायनात को हासिल हो रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम बड़े खुशी नाल गए मशीन आई है ना, मशीनें भी है ना, टू एन वन थ्री एन वन। हाँ, एक मशीन है कई काम होते हैं। जहर शाही यही होगा कि आज जाऊंगा उसको भी वापस भेजूंगा, सूरह बरात की जाकर तिलावत भी करूंगा, लोगों को ये भी पता चलेगा कि आज इसके साथ क्या हुआ है और क्यों नबी ने दोबारा अली को भेजा है। अली खुश गए, टू एन वन, आज दो काम हो जाएंगे। उसको कहा बुजुर्गो जरा सूरत दे दो वापस। अनजल फिया, अनजल फिया, मेरे पास कुछ नाजल हुए हैं। मौला फरमाते हैं जाओ उस हस्ती से पूछो जिसने तुम्हें भी भेजा था, आप मुझे भी भेजा है। हजरत अली ने पा दी थी रसूल देके, और मैं रसूल के गुरु पूछो काशा नाजिल हुई है या नहीं हुई। चौदह रत्ता लाल पीला होंदो या पैगंबर दे कोल आया, पैगंबर दे कोल आया, पैगंबर पहचान दे तहन रिश्तेदारी भी तहा, पैगंबर ने पहचान कर उसको देखा और वो देखते ही कहने लगा यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ल फिया, इब्तिदा से शक करते थे नबी के बारे में। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, वाली जबान पे अगर यकीन होता तो ना अली से पूछते और नबी से पूछते, फौरन आकर नबी की महफिल में बैठ जाते और ना अपनी बेइज्जती कराते और ना वो पर्दा दरी होती। पैगंबर फरमाते हैं क्या तुम्हें मालूम नहीं है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा का मिसदाक नबी हूँ, अल्लाह की मर्जी के बगैर कलाम नहीं करता, मैंने तुझे भेजा था अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, लेकिन अब अल्लाह ने मुझे कहा है उसको वापस बुला लो, इस काम के लिए अहल मेरा अली है। इल्ला अंता और रजुलुम मिनका, ऐ नबी इस पैगाम को या तू पहचान सकता है या वो जो तुझसे है, या वो पहुंचा सकता है जो तो तेरी तरह है, जो तेरी तरह नहीं होगा वो इस पैगाम को नहीं पहुंचा सकेगा। अमीर कायनात फरमाते हैं खुदा की कसम जब मैं कुरैश मक्का के पास गया, मुशरकीन मक्का के पास गया और मैंने सूरह बरात की वहां तिलावत की, खुदा की कसम मैं अली ने उनके हर घर से एक जवान को अपनी तलवार की धार के नीचे रखा हुआ था, लेकिन खुदा की कसम ना मेरे हाथ में तलवार थी, कुछ भी नहीं था, अल्लाह की आयात की तिलावत कर रहा था। खुदा की कसम मेरे दिल में राई के दाने के बराबर भी उन कुफार का खौफ नहीं था। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, ये लड़ाई है, बरात है, ये अल्लाह की तरफ से ऐलान बरात है मुशरकीन के साथ कि जाओ मुशरकीन को ये धमकी दे दो। अली धमकी दे रहा है और उनके घर का घर में से तकरीबन एक एक जवान कुफार का अली ने अपनी जंगों में मारा हुआ है, कोई खौफ भी नहीं है सूरह बरात की। वहां वहां पे तिलावत की अली अबले अबी तालिब ने, हजरत इमाम जाफर सादिक कफरदंग हजरत अब्दुल्ला वो कहते हैं कि ऐ बाबा आप मूसा काज़िम से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम मूसा काज़िम से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और मुझसे काम करते हैं। लायुद्दी अनका इल्ला अंता और रजुलुम मिनका, ऐ नबी इस पैगाम को या तू पहुंचा सकता है या वो जो तुझसे है, जो अली यो मिन्नी व आना मिन अली, अली यो मिन्नी व आना मिन अली, या अली अंत मिन्नी बे मंजलत हारून मिन मूसा, या अली अंत मिन्नी बे मंजलत रास मिन अल जसद, ऐ अली तेरी मिसाल मेरे साथ ऐसी है जिस तरह बदन के साथ सर की मिसाल होती है, ऐ अली तो मुझसे मैं तुझ मु अली से हूँ। ये मंजिलत थी अली अलैहिस्सलाम की। इसको पेश नजर रखते हुए इमाम अलैहिस्सलाम के फरदंद ने इमाम से अर्ज की के या बते
आप मूसा काज़िम से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मुझसे मोहब्बत नहीं करते ज्यादा। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए बेटा याद रखो, तेरा और मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का तकाबुल नहीं है, इसलिए कि मूसा काज़िम का ओहदा इमामत का ओहदा है, हुवा मिन्नी व अना मिन्हु, वो मुझसे है और मैं उससे हूँ, तेरे साथ मेरा बदनी ताल्लुक है, मूसा काज़िम के साथ मेरा रूही ताल्लुक है, वो मेरी इमामत का वारिस है। जान लो, इमामत का वारिस होना और है, बेटा होना और है। हम अहले आलम को बताना चाहते हैं, ऐ दुनिया वालों, जब इमाम सादिक के दो बेटे उनके हम बराबर नहीं हो सकते, तो सादात और गैर सादात बाहम बराबर कैसे हो सकते हैं? एक इमाम के दो बेटे हैं, वो बाहम बराबर नहीं है, लेकिन हम दूसरों को कैसे बराबर मान सकते हैं कि जो सैयद भी नहीं है, उनकी औलाद भी नहीं है, बल्कि 40 साल तक कुफ्र और शिर्क में वो लगे रहे और शराबें पीते रहे और गुनाह में गर्क रहे, कि हाँ हम उनको अली इब्ने अबी तालिब या उनकी औलाद के बराबर मान सकते हैं, हमारी अक्ल तो ऐसा नहीं कहती, शायद उनकी अक्ल इसको मान जाए। तो राज करो, वो कौन है? वो यही है कि जो उन्होंने रसूल की इत्तेबा की, अगर वो इस काबिल होते तो रसूल उनको भेजते। दूसरी फजीलत ये है कि मैं देख रहा था, रात का वक्त था, कि पैगंबर ने मस्जिद नबी के तमाम दरवाजे बंद करवा दिए और वहां पे जो सहाबी सोए हुए थे उनको कहा मस्जिद नबी से चले जाओ और फकत इस मस्जिद में फकत अली का दरवाजा उसी तरह खुला रहे जिस तरह अली मस्जिद को उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह कोई आदमी अपने घर को इस्तेमाल करता है। बाकी दरवाजे बंद हो गए। हत्ता हजरत हमजा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अखरजतना व अस्कनत हाज़ल गुलाम, आपने हमें यहां से निकाल दिया और इस जवान को इसमें इजाजत दे दी। शायद हजरत हमजा का मकसूद दूसरों को समझाना था, अखरजतना व अस्कनत हाज़ल गुलाम, ऐ नबी अल्लाह, आपने हमें यहां रात के वक्त यहां मस्जिद से निकाल दिया और अली अलैहिस्सलाम को यहां पे जगह दे दी। तो पैगंबर खातम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा जान, ये मेरी अपनी मर्जी से नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की मर्जी से है कि ऐ नबी तमाम के दरवाजे बंद कर दो, फकत अली का दरवाजा खुला रहे। और यही अली की फजीलत है कि जब मादर अमीरुल मोमिनीन बैतुल्लाह के करीब आई और कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी मोमिनतुन बिक, ऐ परवरदिगारा मैं तुझ पर ईमान लाती हूँ, तेरी कुतुब पे ईमान लाती हूँ, तेरे फरिश्तों पे ईमान लाती हूँ, ऐ अल्लाह तुझे वास्ता मेरे इस फरजंद का जो मेरे शिकम में है, मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा दे। जू ही फातिमा बिन्त असद की दुआ खत्म हुई थी, परवरदिगार आलम ने इस इजाजत तक पहुंचाई और खाना काबा की दीवार शक हुई, अली की मादर बेदून बगैर किसी चीज के खाने काबे के अंदर चली गई। बल्कि खुदा की वालदा को परवरदिगार आलम ने बुलाया अपने घर में, लेकिन एक वली खुदा की माँ है जो बैतुल मुकद्दस में है, परवरदिगार आलम फरमाता है यहां से चली जाओ, नखला तो साकत आले के रतबन जलिया वकुली वज्रबी वकर्री आईना फरा इफाइमा तरा इन्ना मिनल बचरे आदा फकूली इन्नी नजर तो रहमान सौमा, ऐ मरियम बतूल या बैतुल मुकद्दस से चली जाओ उन खजूरों के झुंड में, वहीं पे अपने बच्चे को पैदाइश दो और वहीं पे एक खजूर का खोचा है उसको, तना है उसको हिलाओ, ताजा खजूरें गिरेगी, खजूरों को खाओ और चश्मे का पानी पियो, अपने बच्चे की विलादत से अपनी अक्वाओं को ठंडक पहुंचाओ। मैं कहता हूँ ऐ लोगो, देखो एक नबी की माँ को बैतुल मुकद्दस से परवरदिगार निकाल रहा है, अली की मां को घर से बुला रहा है। बाबा जी बुलंद सलवा। आज लोग कहते हैं कि काबा में अली पैदा बेशक नहीं हुए, लोग कहते हैं इतने वादे कि उनको कहते हैं कि अली काबा में पैदा नहीं हुए, हालांकि सुन्नी कुतुब में मौजूद है कि फकत अली पैदा हुए हैं और अली से ना पहले कोई पैदा हुआ था खाना काबा में और ना अली के बाद कोई काबा में पैदा हुआ, बेशक बेशक और पैदा हुए हैं।
लेकिन उनकी विलादत और हमारी विलादत में जमीन और आसमान का फर्क है। बेशक। अबू तालिब कौन है? हजरत अमीर के वालिद हैं। फातिमा बिनत असद कौन है? वो हजरत अमीर की वालिदा हैं। हजरत हसनैन शरीफैन क्या हैं? मौला अमीर के बेटे हैं। इसका मतलब ये है कि ये तमाम एक हमारा मतलब जो पाकिस्तान में वो ये है कि ये पैदा नहीं होते, बस ऊपर से आ जाते हैं। ऊपर से आ जाते हैं। ऐ मेरे बिरादर, नहीं, पैदा होने में कोई तरदीद नहीं है, लेकिन उनकी विलादत और गैर मासूम की विलादत में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारी माएं पैदाइश के वक्त नजस होती हैं, मासूम की माँ कभी नजस नहीं होती। सुभान अल्लाह। मासूम पैदा होते ही खुदा की आयात की तिलावत करता है। हम जाहिल पैदा होते हैं। जब पैदा हो गए अली, आए खाना काबा में पैगंबर खातम, उठाया अमीर उल मोमिनीन को। फातिमा बिनत असद कहती है, या अली, या रसूलल्लाह, न इसने आंखें खोली, न रोए, न दूध पिया। जब उठाया हाथों पे, आंख खोली, रिसालत के नूरानी चेहरे की जियारत की। पैगंबर ने पूछा, या अली रोए क्यों नहीं? फरमाते हैं, अगर रोता मां तन्हा थी, अगर रोता मां तन्हा थी, मां को परेशान नहीं करना चाहता था, आंखें क्यों नहीं खोली? चाहता था आपके वजहुल्लाह ही चेहरे की ज्यारत करो। आपकी ज्यारत हुई, पिया कुछ नहीं। या रसूलल्लाह, मेहमान आपका, और खाओ पियो दूसरों के दस्तरखान से। पैगंबर खातम ने अपनी लुआबे दहन अमीर उल मोमिनीन को चुसाया, और अमीर उल मोमिनीन कहते हैं, पैगंबर ने मुझे बचपन ही से ले लिया था और मेरी तरबियत करते थे, और पैगंबर की तरबियत के तहत मैं रसूलुल्लाह के पीछे ऐसे चलता था जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के कदमों पे कदम रख के उसकी इत्तेबा करता है। मैं एक सुई के नाके के बराबर भी अली ने पैगंबर की नाफरमानी नहीं की। सुई के नाके के बराबर, जरा तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि अली ने पैगंबर की नाके के सुई दे टोक जितनी भी तस्वर नहीं किया जा सकता कि अली ने पैगंबर दी नाफरमानी की थी। उन्हें दसो कि जिन्हों पैगंबर कोई काम आके थे, वो पैगंबर का आखा न मने। आए वो बंदा ते जरा पैगंबर दी तमाम जिंदगी इतबा करें बराबर हो सकते हैं? रोशनी तसाया बराबर हो सकता है? अंधा ते बीना बराबर हो सकता है? आलम उजाहल बराबर हो सकता है? कमली दुनिया है, चाली चाली साल तक बुत परस्ती करने के बाद वो भी आदेन कि ए उस दे बराबर है किरने एक ही मशाल से, मशाल की एक ही मशाल की किरने कौन है? वो अली है, वो हसन है, वो हुसैन है, वो फातिमा है, वो मेहदी बरहक तक आईमे ताहरीन है, मशअल पैगंबर है, किरने उनकी ये है। किरणों को कहां पे तलाश करते हो? वाह वाह, अपनी अकल से सोचो, अपनी अकल से सोचो। जिस तरह चिराग है उसी से किरने फूट रही हैं। जब चिराग मासूम है तो उससे निकलने वाली किरने भी मासूम होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता वो मासूम हो और उससे निकलने वाली किरने पलीत हो और नजस हो। ये कभी नहीं हो सकता। मसल नूर ही का मिश्कात फिया मिसबा अल मिसबा फी जुजाजा अल जुजाजा तो कहो अल दजाजा तो गन्ना कहो का बदुर्रियन यू का तो मिन शजरत मुबारकत। ये ऐसा चिराग है जिस चिराग का तेल दुनियावी तेल नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ तेल है। ये चिराग मुस्तफा है, इसकी किरने फातिमा है, हसन है, हुसैन है, अली है, जिसको पैगंबर अकरम ने अपनी जिंदगी के हर दौर में इर्शाद फरमाया और फरमाया, लोगो
اے کائنات والو دیکھو اگر کائنات ایک جگہ پہ اکٹھی ہے اور میرا بھائی علی ایک علیحدہ وادی میں موجود ہے پوری کائنات کو چھوڑ دینا علی کے دامن کو پکڑ لینا اس لیے کائنات تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گی علی تجھے جنم کی طرف جنت کی طرف لے جائے گی علی جنت میں لے جاتا ہے علی کو نہ چھوڑنا ہو سکتا ہے کائنات تجھے دوزخ کی طرف لے جائے لیکن علی تمہارے دائیں ہاتھ کو پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے اور امیر کائنات فرماتے بھی ہیں کہ جو ہماری اطاعت کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور خود سرکار بھی میں نے عرض کیا تھا مولا فرماتے ہیں جو زمانہ غیبت میں زمانہ غیبت کی کچھ مشکلات ہیں نا ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں اللہم عجل ظہورا امام نار جلدی ظہور کی دعا کرتے ہیں ہر روز قتل ہو رہے ہیں ہر روز امام بارگاہوں پہ مساجد پہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں اور یہ تمام دہشت گردی اور قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے صاحب کو جلدی بھیج ہماری یہ دعائیں ہمارے لیے زہر مشکلات ہیں تو تب مولا فرماتے ہیں آخر الزمان میں فتنے اٹھیں گے مشکلات پیدا ہوں گی ان مشکلات میں حق کو پرکھنا بہت مشکل ہو جائے گا اے دنیا والو تم سوچ سوچ کے قدم رکھنا کہیں گمراہ نہ ہو جانا اگر تم وہاں سے کامیاب نکل کر تم اللہ کے پاس پہنچ آئے تو میں علی ضمانت اٹھاتا ہوں قیامت والے دن اور قیامت کے بعد تم ہمارے ساتھ جنت میں پہنچو علی کی ہمسائیگی آسان نہیں ہے لیکن علی علیہ السلام نے راستہ دے دیا ہے میرے بھائی محترم سامعین اہم ترین چیز جو ہے اسلام میں وہ عقیدہ ہے بے شک بے شک عقیدے کی بنیاد پر انسان کا عمل ہوتا ہے اسی عقیدے کے فسادات کی وجہ سے آج کا لوگ منحرف ہیں مختلف شعبوں میں بٹے ہوئے ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ امامت کو مضبوط بنانا ہمارا کام ہے آگے نجات امیر المومنین جانے اور ان کے فرزندان جانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے ہی دل لے آ دے راہ جانے تھے شاہ جانے اتنے آ کے آخنا پوسی راہ جانے تھے شاہ جانے لیکن پیچھو عقیدہ بھی ٹھیک نہ ہوئے نہ عقیدہ توحید صحیح ہوئے نہ عقیدہ رسالت صحیح ہوئے نہ عقیدہ امامت صحیح ہوئے اس دے بعد اسا کیے شاہ جانے تے راہ جانے شاہ بھی آکسی تو تا میرے تو بہت دور مت آئے ذرا قریب آتا میں تیرا ہاتھ پھتا ایمہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے عمل کو برزخ کی حد تک کم از کم برزخ تک کے لیے اپنے عمل کو ایسا کر لو آگے قیامت میں ہم جانے اور آپ جانے بے شک لیکن برزخ تک کے لیے جو تقاضا ہے اعمال کا وہ کیا ہے پہلا تقاضا ہے عمل اعتقاد توحید عقیدہ توحید کو مضبوط رکھو اسی عقیدہ توحید کی بنا پر تم نے آگے قبر میں جواب دینا ہے بے شک ہاں تمہارا مربوں کا اللہ ربی اللہ دے نال بھور بھی ہے جیڑا اللہ دے کام کریں دے بے شک جیڑے اللہ دے نال کام کریں دے یعنی اللہ اللہ کام جیڑا ہور کریں دے اگر یہ ساڑا عقیدہ اتھے ہو سی کامیاب ہوئے سائیں بے شک کوئی نہ ہو سائیں اللہ جل جلالہ ربی وعدہ لا شریک عبادت میں وعدہ لا شریک اوصاف میں کمالات اس کے کمالات اس کی عبادت اس کی ذات اس کے صفات اس کے افعال تمام میں اللہ کو ایک مانے اللہ کے کاموں میں کوئی بھی شریک نہیں ہے وہ خود تدبیر کرتا ہے وہ خود خلق کرتا ہے وہ خود رزق دیتا ہے وہ اس نے وسائل رزق بنائے ہیں وائے بے یوم نہیں روز کل ورا بات وجود ہی سابطت الارض والسما اللہ نے امام زمانہ کو ہمارے لیے وسیلہ رزق قرار دیا ہے لولا الحجہ لساخت الارض بیالیا اگر حجت خدا نہ ہوتی رزق تو در کنار یہ کائنات ختم ہو جاتی یہ امام زمانہ ہے جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں رزق دینا ہے اللہ نے ہمیں خوراک دینی ہے اللہ نے ہمیں حیات دی ہوئی ہے اللہ نے زمین کا اور اس آسمان کا تمام نظام اللہ نے برقرار رکھا ہے کس کی وجہ سے صرف حجت خدا کی وجہ سے حجت خدا وسیلہ رزق کے لیے
اللہ یرزقکم خدا رزق دیتا ہے وسیلہ مہدی برحق ہوتے ہیں اللہ رزق دیتا ہے وسیلہ امیر المومنین ہوتے ہیں اللہ رزق دیتا ہے وسیلہ مولا حسین ہوتے ہیں اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رزق دیتا ہے مولا وسیلہ ہوتے ہیں یہی عین توحید ہے یہی عین نبوت اور رسالت کا عقیدہ ہے یہی عین امامت کا عقیدہ ہے ہمیں علی اپنی جانوں سے زیادہ پیارے، ہماری جانیں ختم ہو جائیں تو ہو جائیں لیکن علی ہمارے قلب سے نکلنے نہ پائے. ہم نے دیکھا میزا میں تمار کو دیکھا، سلمان کو دیکھا، ابو ذر کو دیکھا، تبعید کیا گیا مدینہ منورہ سے، مدینہ رسول سے حضرت ابو ذر کو، انہوں نے باہر جانا قبول کیا، ولایت علی کو نہ چھوڑا. میسا میں تمار کے ساتھ کیا کیا گیا، رشید حجری کے ساتھ کیا کیا گیا، اصحاب علی کے ساتھ کیا کیا نہ کیا گیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے امیر المومنین کے قدم چوم کر یہ کہتے رہے، یا علی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنی محبت میں ہمیں شہادت کی